माय नेम इज रविंद्र कुमार एंड आई एम फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश एंड आज मैं आपके सामने अपने जीवन का वो टर्निंग पॉइंट का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जिससे मेरा लाइफ बहुत हद तक बदल गई। मैं मतलब लॉकडाउन का टाइम था जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था इंडिया में 24 मार्च को। तो क्या हुआ था, हमारे बोर्ड्स के पेपर ख़त्म हुए थे। जब मैं घर आता था तो अपने पापा को देखता था, पापा के मेडल्स देखता था और देखता था पापा डिफेंस में थे, पापा ने डिफेंस के लिए आर्मी के लिए अपने पूरे 25 साल कुर्बान करे हैं देश देश के लिए। मैं ये सोचता था मुझे भी करना है डिफेंस में जाना है क्या करूँ। फिर मुझे सिर्फ इतना पता था डिफेंस में जाना है, ये नहीं पता डिफेंस में कैसे जाना है। मैं अपने पापा से गाइडेंस लेता था कि पापा डिफेंस में जाना है, मुझे डिफेंस में जाना है। पापा बोलते थे सबसे पहले तो अपना फिजिकल ठीक कर। अब फिजिकल मैं कैसे ठीक करूँ, मैं बहुत ज़्यादा चबी चबी मोटा सा था तो मैं रनिंग नहीं कर पाता था, गेम खेलता था बस रनिंग करता। तो मेरे पापा बोलते सबसे पहले तो कोई गेम खेलना शुरू कर। तो मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, बास्केटबॉल खेला उसमें मुझे नेशनल तक जाना कोई मौका मिला। फिर मैं वापस आया तब मैं थोड़ा बहुत पतला हुआ। फिर मेरे पापा ने बोला अभी तुझे और फिजिकल की ज़रूरत है क्योंकि मेरी रनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी स्प्रिंट भी अच्छी नहीं थी, मेरा कुछ अच्छा नहीं था फिजिकल में। फिर मेरे पापा ने मेरे साथ रनिंग करवाई। मेरे पापा 47 ईयर्स के हैं तब भी वो मेरे साथ 12-13 किलोमीटर दौड़ते थे और बोलते थे चल पुलअप नहीं लगाते थे मेरे पे। फिर मेरे से पुलअप लगवाते थे, वो मेरे से पुशअप लगवाते थे, मेरे से हर चीज़ करवाते थे वो। फिर जैसे जैसे करके उनने मेरा फिजिकल बहुत बढ़िया करवाया और अभी मैं बहुत तरीके से बहुत अच्छे से फिट हूँ मैं। फिर मुझे लगता था कि स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, मैं स्टडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। फिर मैंने देखा कि स्टडी में क्या करूँ। अकेले मेरे से स्टडी नहीं होती थी, मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए पड़ती है। मेरे साथ कोई टीचर नहीं था, मेरा बड़ा भाई कॉलेज में था इसलिए मुझे वो हेल्प कर नहीं सकता था, मेरी बहन ऐसे कोई है नहीं जो मेरी हेल्प कर पाए। तो फिर मैं सोचता था क्या करूँ। मैंने पापा से पूछा क्या करूँ, पापा कहते हैं ऑनलाइन देखो, गूगल की हेल्प लो, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। फिर मुझे पता चला कि NDA की कोचिंग होती है। फिर मुझे पता चला NDA क्या चीज़ है। फिर मुझे पता चला NDA की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। जो NDA का हॉस्टल, दूसरे हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल्स, वो सब अलग और NDA अलग होता है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया कि अब तो डिफेंस में जाना ही है तो मतलब जाना ही है। फिर मैंने बहुत खोला पापा से, पापा मुझे NDA में जाना है। पापा बोलते हैं सबसे पहले तो कोचिंग का, क्योंकि तेरे बेसिक क्लियर नहीं है। मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए अपनी कोचिंग ज्वाइन कराई। फिर मैंने देखा कि गूगल में कि IIM देहरादून में है तो यहाँ पे कोचिंग्स तो पक्का होंगी। फिर मैंने यहाँ पे कोचिंग ढूंढी थी, मुझे बहुत सारी कोचिंग मिली, तीन चार कोचिंग मिली। मैंने सबके देखा, सबका रिजल्ट अच्छा था, लेकिन जो DDCP थी उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, 85% था। और साथ में ये SSB की ट्रेनिंग करवाता है। SSB बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, जो रिटर्न पेपर होता है वो सब क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो SSB होता है वो सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि SSB तुम्हें अपना नेशनल दिखाना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, वो सब नहीं दे पाते हैं। तो अब मुझे SSB करना पड़ा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता था, कॉन्फिडेंस भी मेरे में बहुत कम था। मैं यहाँ आया, मुझे शुरुआत में तो बहुत बहुत बुरा लगता था क्योंकि मम्मी पापा कोई था नहीं, मन का खाना नहीं, मन के कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं, हर जगह जाना है, डिसिप्लिन। मैं यही सोचता था डिसिप्लिन का क्या करना है। फिर मुझे पता चला डिफेंस में रहना है तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। फिर मैं डिसिप्लिन आया अपने आप में। मेरे नरेश थापिया सर जो, उनने मेरे को कॉन्फिडेंस लगाया, ठीक है। जोशी सर वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनने मेरे बड़े भाई की तरह केयर करी। अनुराग सर हमेशा मेरी हेल्प करते थे किसी भी चीज़ में, ये सब मेरे बहुत अच्छे से रहे। और मुझे तब भी थोड़ा बहुत बुरा लगता था तो मेरे दोस्त थे ही, वो हमेशा मेरा मन बहलाते थे। और बाकी सब्जेक्ट की बात हुई तो मेरे जो सब्जेक्ट था वो इतना अच्छा नहीं था। मैं ये सोचता था मैं क्या करूँ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प वो करी, हेल्प ली सबसे, मेरे दोस्तों से हेल्प की, कुछ हेल्प मेरे दोस्तों ने करी। फिर मैंने टीचर से पूछा कि सर मैं क्या करूँ, उनने मुझे बताया कि तुम मेरे पास आओ जब तुम्हारे पास टाइम हो। तो मैं उनके पास गया, उनने अपना टाइम मुझे दिया, मुझे हेल्प करी। फिर मुझे और अच्छा जान, फिर मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छा हुआ, मुझे मैथ्स बनी अच्छे से, GK GS मेरी स्ट्रांग हुई, मेरा सब बढ़िया हुआ। फिर आज मैं फिजिकल भी मेरा अच्छा है और मेंटली भी बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड हूँ। और अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं NDA का पेपर ऐसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हर वादी ने, हर पर्वत ने सजा दी, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।